ये हमारा बॉयज हॉस्टल थर्ड है, यहाँ पे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं। ये 6,000 रुपये सालाना इसकी फीस है, जो यहाँ पे बिजली मुफ्त, सब कुछ मुफ्त होता है यहाँ पे, सारी चीज़ें मुफ्त में मिलती हैं। चलो ये हम एंटर करते हैं, और एंट्री में यहाँ पे दो राइट एंड राइट साइड भी जा सकते हैं हम, और ये लेफ्ट साइड भी जा सकते हैं, जहाँ पे राइट साइड सीनरी रहते हैं और लेफ्ट साइड में हम थर्ड रेस्टोरेंट करते हैं। ये 2 मंजिला फ्लोर है इसका, और ये हम लेफ्ट साइड में रहेंगे, और ये हम आपको हॉस्टल के रूम का टूर कराते हैं। ये हमारा ये हॉस्टल है, बट ये हॉस्टल का ये स्कूल है, जो ये इनका पेंट देखिए आप, ये प्राइमरी स्कूल से मैच करता हुआ है। देखिए ये पहले इसकी हालत इतनी लताड़े थी, लताड़ कह रहा हूँ, इनकी बहुत गंदी हालत थी इस पूरे इस विंग की, बट हमने यहाँ पे रह रहे हैं तो बहुत अच्छी कर चुके हैं ये। जब आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो आपको एक बेड मिलेगा, एक चेयर मिलेगा, टेबल मिलेगा, और अलमीरा मिलती है जो कम्बाइन होती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में अलमीरा कब सिंगल हो जाती है, बट अब बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो उस प्रकार से आपको डबल मिले, दो लोग रहेंगे एक रूम में, और पर्दे लाने पड़ेंगे आपको खिड़की के लिए, और बेडशीट, गद्दा और तकिया लाना पड़ेगा, और यहाँ पे आप मिरर लगा सकते हो और वॉच ले आ सकते हो, घड़ी, वॉल घड़ी, और ये और जो चीज़ें ला सकते हो ले आना, प्रेस, इंडक्शन, वो आपकी इच्छा के ऊपर। ये हमारे साथ मंत्री कामवज का रूम है, ये इतना होटल जैसा रूम है ये, बट एक फेमस है ओयो के नाम से, यहाँ पे समझ सकते हो, यहाँ पे उनके भाई ने गिफ्ट करी है और ये उनकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट करी है, ये बुलेट, क्योंकि वो बुलेट राजा है। ये हमारे साथ है इनको का रूम है, इन्हें जूते खरीदने का काफी शौक है, ये देखिए अलग अलग ब्रांड के जूते खरीद रखे हैं, ये कायरी, नाइकी, और ये देखिए ये टपाई गई है, ये हमने फेयरवेल में देना चाह रहे थे सीनियर्स को हम, बट ये यहाँ पे इन्होंने चुपचाप रख लिया अंदर। और ये देखिए करी, और ये काफी घड़ी खरीदने का काफी शौक है, अलग अलग ब्रांड की खरीद रखी है, कुछ एमआर गिफ्ट करते हैं, कुछ इनके पापा गिफ्ट करते हैं, कुछ मम्मी गिफ्ट करती है, और उन्हें तो खेलना इनका शौक ही है। और यहाँ पे काफी अच्छी धूप आती है इनके रूम में, लेकिन गर्मी में इनकी फट जाती है, पर ठंड में इनका अलग ही मजा आता है, रोमांच से पर रोमांच से भरा रूम है इनका, बहुत गर्मी देता है ये रूम, जब गेट जैसे गेट खोलते हैं हम तो रूम अलग ही हीट फेंकता है। ये हमारे साथ है सुनील का रूम, ये देखिए बॉल, सुनील हैज टू मैनी बॉल्स, और ये हमारे खाने का सामान, ये हमारे पीने का सामान, और ये हमारे डांस करने का सामान, और ये लाइटिंग है बहुत सारी जो हमने खुद अपने पैसों से खरीदी है बता दे तो। और यहाँ पे जिनका रूम है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कैसे हो आप लोग? बढ़िया भाई। और ये इनका गार्डन का गार्डनिंग करते हैं, ये बहुत पसंद है, ये देखिए ये नर्सरी से लेके आए हैं, और ये हमारा अभी बन रहा है ग्राउंड, और ये हम यहाँ पे रोहन चौधरी के रूम में घुसते हैं, और ये देखिए ये अलग अलग प्रकार की लाइट है, इन्हें जरा ऑन करिए शोभर्धन भट्ट, और एक कोवी के बहुत बड़े फैन है, ओ माय गॉड, खत्म। यहाँ पे देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, बट इन्होंने अपने रूम की जो वाट लगा रखी है वो ये बताता है कि हम बॉयज हैं, क्योंकि ये लड़के ही कर सकते हैं अपने रूम की हालत ऐसी। और हम अंदर की तरफ घुसते हैं, यहाँ पे राइट हैंड साइड में यशोवर्धन भट्ट का रूम है, जो देहरादून के निवासी हैं, यूके 07 से राइडर हैं ये। इन्हें देखिए, इन्हें बाइक चलाने का काफी शौक है, इन्होंने देखिए समझ सकते हो आप कितना पढ़ते हैं ये बहुत डेडिकेटेड है अपने काम के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, ये ट्रैकिंग, ये बहुत घूमने का शौक है इनके, ये देखिए ब्लोअर समथिंग सब लिखा हुआ है भाई। यहाँ पे हम अंदर घुसे हैं, डॉक्टर श्रेविस्ट गए, ये उनकी बहुत गुड फ्रेंड है, इनको गिफ्ट करी गई है, और ये है सुनील वड़कोटी जो यहाँ पे कार्यभारी हैं यहाँ के, जो ये श्रेय बिष्ट के कमरे की साफ सफाई करते हैं, देखिए अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये जाले समझ सकते हो कितने, ये काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं होते, क्योंकि इन्हें काम करवाने का शौक है, इन्हें काम करने का शौक है। और यहाँ हम अंदर घुसते हैं, हमारे बाथरूम है कुछ इस प्रकार के हैं, कुछ यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं मिलती है, जो गर्मी का मौसम है बहुत एसी जैसी हवाएं करती है, क्योंकि हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये हमारा हॉस्टल है, कुछ इस प्रकार है हॉस्टल में, ये बाथरूम है आप देख सकते हैं,
ये गार्ड साहब का रूम है और ये मेरा रूम। स्क्रू बल्डे में ये कुछ सीनियर्स के द्वारा लिखा गया है, काफी ज्यादा प्यार मिला मुझे। और ये हमारे सहपाठी गिफ्ट करी गई है उनके बहुत अच्छी दोस्त के द्वारा। और ये मैंने पेंटिंग करी, मैंने वो कर रखी है, वॉल में पेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं। आप हॉस्टल के लेफ्ट साइड जाते हो, आप यहाँ पे एक राइट टर्न भी आता है जहाँ पे कुछ और यूजी स्टूडेंट रहते हैं हमारे साथ वाले थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स। यहाँ पे सेकेंड ईयर हॉस्टल है सामने, और इनके रूम से राइट, यहाँ अगर आप राइट मुड़ोगे तो सेम ऐसा ही है लेफ्ट एंड लेफ्ट की तरह, और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ जाते हुए। ये पहली मंजिल पे है, यहाँ हम टीटी रूम में एंटर करते हुए, यहाँ पे देखिए हमारे साथी टीटी खेलते हुए। इनका नाम नीरज गोसाई है और इनका नाम प्रदीप सिंह जीना है, दिल्ली के निवासी हैं और देहरादून के निवासी हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, यहीं पे आके सीखा है इन्होंने, पहले कभी इन्होंने ट्राई नहीं किया ये गेम। और टीटी के सामने ही एक खाली सा बरामदा है जहाँ पे, यहाँ पे कुत्तों का मैदान है, यहाँ पे बस कुत्ते आते हैं और वॉशरूम करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका वॉशरूम तो बन नहीं सकता उनके लिए, तो वो यहीं पे खुले में शौच कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमें ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए भी एक टॉयलेट रूम बनाया जाए। और यहाँ हम ऐसे रूम में आते हैं जो ज्यादा ही पढ़ते हैं, कुछ लोग ये आदित्य धर हैं फ्रॉम प्रयागराज, ये ज्यादा ही पढ़ते हैं, फिर बाद में हमें बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ये सुन सुन के हम थक चुके हैं, क्योंकि हम थर्ड ईयर में आ चुके हैं, थर्ड ईयर के पेपर दे रहे हैं, इनका एक ही रट होती है कि मैंने नहीं पढ़ा। और ये लोगों को आके डराते हैं और कुछ काम नहीं है इनका। इनका रूम देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि ये इसमें इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, इन्होंने ENT की फाइल तो बनाई नहीं और खुद यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि ये समझ सकते हैं आप, मुझे तो पूरी बात ही समझ में नहीं आ रही। ओ शिट, सॉफ्ट पैलेट, सॉरी। हर सिप के सिलेक्शन होने पर ओजी सरकार कॉलेज बता लो महंगी, समझ सकते हैं यहाँ पे इनकी। ये 5 सितंबर को आना, 3 डेट से लिया गया है ये, समझ सकते हैं इंस्पायर हो गए हैं तो इन्होंने ये चीज लिखी है। और ये अभिनव मिठारे का कमरा है जो हर दिन लॉक ही रहता है क्योंकि ये लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं, ये देख सकते हैं। अरे विजय व्रत का कमरा है जो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहे होंगे, वो हमें पता ही है कि वो खोलेंगे ही नहीं। और त्रिपाठी का कमरा है जो सोते ही रहते हैं, समझ सकते हैं। और 41 से 48 रूम नंबर ये हैं, और ये कुछ सीनियर्स के रूम्स हैं, और ये हमारे साथी के रूम्स हैं। ये कुछ साइकिल लेके आए हैं अपने घर से, क्योंकि इन्हें गाड़ी चलाने का ज़्यादा शौक़ नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट को हेल्थी रखें और अपने को भी हेल्थी रखें। और ये हमारे साथी आत्री का रूम है, ये रुड़की के हैं और काफ़ी शौकीन है नोवेल पढ़ने के, देख सकते हो ये बस अगर ये अमेजोन फ्लिपकार्ट मिंत्रा कुछ में भी खोलेंगे तो इन्हें नोवेल ही देखनी होती हैं। ये कपड़े ज़्यादा नहीं पहन सकते बट नोवेल ज़्यादा रख सकते हैं, यही मानते हैं। और ये देखिए कुछ इस प्रकार, काफ़ी कोजी सा रूम है इनका, बहुत मेहनत करी गई है इस रूम में इन्होंने। ये देखिए इनके ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, देख सकते हो आप। और ये इनका ब्लोअर, ये क्या है बोले, सब कुछ है इनके पास। ये इनका तुनतुना, इनकी क्या बोलते हैं, यूकेलेले। और ये ड्रीम कैचर, जो ड्रीम को पकड़ता है, नहीं पकड़ता, आई डोंट थिंक सो। और इनके बालकनी से ये मैदान की तरफ खुलता है ये रास्ता, ये ऊपर की तरफ जाते हुए हम, ये सेकंड फ्लोर है, कुछ उसी प्रकार है जो सेकंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में है। ये बीच का थोड़ी बालकनी टाइप है दे रखी है यहाँ पे, जो गर्मियों के टाइम में बहुत अच्छी होती है। और कुछ ऐसा व्यू दिखता है यहाँ पे, जिस सामने फर्स्ट ईयर दिख रहे हैं,
ये मैस है हमारा और ये पीजी ये हॉस्टल्स है और सामने जो हिंटन हॉस्टल्स है। हम अब राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारे कुछ साथी योगा रूम है, यहाँ पे सीनियर्स रहते हैं हमारे। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे साथी लोगों का रूम है, ये हमारे साथी नीरज गोसाई का रूम है। इन्होंने काफी मेहनत करी है ये रूम में, देखिए स्वागत है रूम का। लेकिन अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है तो मैं सागर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अपने कैमरों को दूर रखें। और इन्होंने काफी मेहनत करी है, ये एवेंजर के काफी ज्यादा ही काफी फैन है और ये वॉलीबॉल बहुत अच्छा, ये वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। ट्रॉफी हमने जीती थी वॉलीबॉल में, आप देख सकते हैं। और इनका देख सकते हैं सामान कितना ज्यादा ही है, सारा सामान लाते हैं और यहीं पटक देते हैं, घर पे तो रखेंगे ही नहीं है। ये हमारा योगा मैट भी दिखा दीजिए। और ये योगा मैट इन्होंने जो फर्स्ट टाइम में लिया था वो वापस ही नहीं करा गया है क्योंकि इन्हें पता है कि इसका फाइन लगता नहीं है और इसका काफी ज्यादा ही उपयोग होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 400 रुपए का खरीदा गया है हमारे द्वारा। अच्छा, मात्र 400। और एक ये बहुत ही अच्छा बजाते हैं ये केसियो, देखिए आप देख सकते हैं लेकिन अभी बजा नहीं सकते, अभी बजा नहीं सकते क्योंकि अभी लाइट नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। और ये इनकी बालकनी है, ये इनकी बालकनी है, कुछ ऐसी है बालकनी, यहाँ से ऐसा ही भी दिखता है जो बालकनी से दिख रहा है जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई थी आपको। और हम छत की तरफ जाते हुए, काफी अच्छा भी दिखता है वैसे यहाँ से हमारे छत। ये टंकी है जहाँ वाटर सप्लाई करते हैं हमें, और ये कुछ ऐसा है, ये सामने पहाड़ दिख रहे हैं, नैनीताल भीमताल के पहाड़ हैं आप देख सकते हैं। और ये हमारा हॉस्टल से ऐसा कुछ व्यू दिख रहा है, ये हल्द्वानी शहर है। वैसे ये डस्टबिन काफी फेमस है क्योंकि ये बाइपर का खाने का सामान होता है। और इस साइड हम आते हैं ये डस्टबिन जो ये बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे, हमने पानी का स्रोत। और यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि ग्राउंड तो बचा नहीं है तो यहीं पे क्रिकेट ही खेल लेते हैं यहाँ पे। और ये शीशे तोड़े गए हैं कुछ छात्रों के द्वारा, आप देख सकते हैं।